हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड क्लीन विद संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सोया चिली रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ये रेसिपी कैसे बनाए हैं, एक पैन में हमने पानी गरम करने के लिए रख दिए हैं। ये देखिए पानी गरम होने लगा, इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक डालेंगे तो न्यूट्रिला के अंदर अच्छे से नमक आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही नमक डालेंगे जिसमें इसके अंदर न्यूट्रिला के अंदर नमक आ जाए। न्यूट्रिला हमने बड़ा साइज का जो इसका चंक्स है वो लिए हैं, आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा थोड़ा सा छोटा मिक्स है इसमें। और सारे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, एकदम फुल बॉईल करेंगे हम। ये देखिए न्यूट्रिला मेरा अच्छा से पक गया है, इसे अच्छा से हमने बॉईल कर लिया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये अभी बहुत गर्म है, इसे अभी स्ट्रेन करके हम ठंडा कर लेते हैं। न्यूट्रिला को हमने अच्छा से स्ट्रेन कर लिया है। अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है, इस पानी को हम अच्छा से निचोड़ के एकदम ड्राई कर लेंगे, नहीं तो ये फ्राई करने में दिक्कत करेगा। ये देखिए सारे सोया चंक्स मैंने अच्छा से स्क्वीज कर लिया है और इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर गार्लिक, 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/2 टेबल स्पून हमने लिए, 1/2 टीस्पून हमने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हमने लिए हैं गोलकी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। ये सारे हम इसमें मिला देंगे। हमने पहले नमक मिलाया था इसमें सोयाबीन में, तो इसलिए अभी कोई नमक हम मिलाएंगे नहीं, क्योंकि नमक हमने ज़्यादा मिलाया था। अगर आपने कम मिलाए हैं तो इस टाइम आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। और सारे हम अच्छा से लगा देंगे पूरा चारों तरफ न्यूट्रिला का, अच्छा से ये लग जाए। अगर ये अच्छा से कोट नहीं होता है तो आप हल्का सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। हम हल्का सा पानी ऐड कर रहे हैं, एकदम देखिए जरा सा, जस्ट इसको अच्छे से कोट करने के लिए। ऑयल मेरा गरम हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे सारे सोया चंक्स को। ऑयल बहुत ज्यादा हीट नहीं रखना है, एकदम हाई फ्लेम में नहीं करना है, हम लो फ्लेम में कर रहे हैं। अगर हाई फ्लेम में करेंगे तो इसका चारों तरफ पहले ही लाल हो जाएगा और अंदर पकेगा नहीं। और बहुत ज़्यादा स्लो गैस में भी करेंगे तो आप ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एकदम मीडियम फ्लेम में इसको करना है और थोड़ा सा दूर दूर डालना है शुरू में, नहीं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। गैस हम अभी मीडियम कर दिए हैं। ये देखिए ये फ्राई हो गया है, गोल्डन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सारे सोया चंक्स मेरा फ्राई हो गया है, डीप फ्राई हमने कर लिया है। ये देखिए अब एक पैन हम रख दिए हैं, इसमें हमने थोड़ा सा व्हाइट तेल डाले हैं, रिफाइंड ऑयल डाले हैं और इसमें हम 2 मीडियम साइज को प्याज को इस तरह से सेल निकाल के ऐसे करके काट लिए हैं और एक बड़ा कैप्सिकम का 1/2 लिए हैं, ये भी हमने ऐसे गोल गोल करके काट लिए हैं। ये सारे दोनों को हल्का गैस में और हाई फ्लेम में हल्का सा चला लेंगे जिसमें इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, चाइनीज डिश को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना रहता है, जस्ट हल्का सा हम इसे टॉस करेंगे जिसमें इसका एक रॉ जो फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। हमें एक सॉस बनाना है, इसके लिए हमने लिए हैं 3 टेबल स्पून टमेटो सॉस और इसमें लेंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून सोया सॉस
सोया सॉस हम बहुत ज़्यादा डालेंगे नहीं, हाफ टी स्पून ही डाले हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से सॉस हो गया है, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम इस कढ़ाई में डाल देंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल भी रिफाइंड ऑयल हमने लिए हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के ग्रेटेड जिंजर गार्लिक, और इसे हम हल्का सा चला लेंगे, बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसे हम हाई फ्लेम में करेंगे, चाइनीज डिश हमेशा हाई फ्लेम में करना है, लो फ्लेम में नहीं करना है। तो सारे प्रोसेस हमें स्पीडीली करना है। अब इसमें हम डाल देंगे जो सॉस हमने बनाया था वो सॉस, इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सोया चंक्स, और इसमें हम डाल देंगे ये अनियन और जो कैप्सिकम हम रखे थे फ्राई करके ये, और 3-4 स्प्रिटेड ग्रीन चिली। इस सब को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस टाइम हम सॉल्ट थोड़ा चेक करके डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक रहता है, तो नमक थोड़ा सा हम टेस्ट करेंगे तब डालेंगे, अगर कम लगेगा तब डालेंगे, अगर एडजस्ट हो गया तब नहीं डालेंगे क्योंकि सोया सॉस में नमक काफी रहता है। अब इसी कटोरी में हमें थोड़ा सा इसे, आप चाहे तो ऐसे भी इसका एडजस्ट आटा इसे ले सकते हैं, बट हमें इसे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए इसलिए हम इसी बोल में डाल देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें हम नॉर्मल पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे। इसमें अगर वार्म वाटर डालेंगे ना तो ये अच्छे से मेल्ट नहीं होगा, इसलिए नॉर्मल वाटर डालना है। सारे प्रोसेस हमें हाई फ्लेम में करना है। और ये हम डाल देंगे और जल्दी जल्दी इसको चलाते रहेंगे तो एक अच्छा सा इसका थिक ग्रेवी बन जाएगा। हमें थोड़ा सा और इसे पानी ऐड करना है, थोड़ा सा और पानी हमने ऐड कर दिया है। हम इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं और नमक जरूरत होगा तो थोड़ा नमक डालेंगे। हाँ आई थिंक थोड़ा सा नमक इसमें डालना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1/4 टीस्पून हमने नमक डाला है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, और 1/2 टीस्पून गोलकी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर,
ऐसे डाल के अच्छे से इसको मिला लेंगे। बस इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बन के रेडी है। ग्रेवी हम इतना ही रखेंगे, आपको जैसा पसंद है आप उसी हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। आपको इससे ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम पसंद है तो कम भी रख सकते हैं। ऐसे ये थोड़ा सा और एब्जॉर्ब कर लेगा। इस टाइम हम गैस को बंद कर देंगे। आप चाहे तो जो ग्रीन स्प्रिंग अनियन आता है वो भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं ऐसे गार्निशिंग के लिए, और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, उसका लुक भी अच्छा आता है। बट मेरे पास है नहीं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। अब हम इसको प्लेट आउट करेंगे। ये देखिए सोया चिली मेरा बनके एकदम रेडी है। ये देखने में कितना यामी लग रहा है, ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और ये बनाना काफी इजी है। आप भी अपने घर पे ऐसे बना सकते हैं और हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ये खाने में बाकी में बहुत ज्यादा टेस्टी है, बच्चे को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। आई होप गाइज मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।